आज हम लोग देखेंगे इंट्रोटॉक्सिमिया में बकरियों के साथ क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं और कितना टाइम मिलता है आपको बकरी के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला है क्या कि इंट्रोटॉक्सिमिया का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आप बकरियों को बचा सकें, क्योंकि एक तो समय कम मिलता है और दूसरा बहुत तेज़ी से पॉइजन शरीर में फैलने की वजह से बकरी जो है वो उठ नहीं पाती। ये देखिए, अभी बकरी जो है ये ईटी से गिरी थी ये, और गिरी और कोई सिम्टम नहीं था इसका। जैसे कभी कभी इंट्रोटॉक्सिमिया में आप देखेंगे क्या कि बकरियों को थोड़ा लूज मोशन होता है और बकरियां समय भी देती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एकाएक गिरती है और हाँफना शुरू करती है, ये मुंह से सांस ले रही है, अभी नाक से बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है, जबकि इसको कोई सर्दी निमोनिया कुछ नहीं है। तो यही सब सिम्टम्स है इसका, पैर फेंकना और हाँफना, मुंह से सांस लेना, क्योंकि पेट में सीवियर पेन होता है तो ये पेट पर जो है पैर मारती है, पैडलिंग करेगी। ये कुछ देर पहले ऐसा काफ़ी कर रही थी, रह रह करके बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है, उठने की कोशिश करेगी, उठ नहीं पाएगी। ऐसा कई तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। तो ईटी के केस में है कि वही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जो है इसका वैक्सीन करें, ईटी का वैक्सीन आता है और 15 डेज के बाद उसका बूस्टर डोज लगाएं। तो इसका वैक्सीन जो है वो 6 मंथ्स के लिए आता है, बूस्टर लगा देने से 1 ईयर के लिए हो जाता है। ये खस्सी लगभग जो है 21-22 केजी का था और विद इन 10 to 15 मिनट्स ये खत्म हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है एंटीबायोटिक लगाइए, एंटीऑक्सीडेंट लगाइए, लेकिन ये सब बस कोशिश है। 95% प्लस केस में बकरी की मृत्यु ही हो जाती है अगर वो इस केस में पहुंच गया तो। अगर बकरी ईटी से गिर गई तो वो कुछ देर में शरीर में उसके ऐंठन आ जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नौबत आने से बचना है और कोशिश करें कि वैक्सीन लगाएं। ये देखिए, उठने की कोशिश कर रही है लेकिन ये उठ नहीं पाएगी, ये चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन उठ नहीं पाएगी, ये हमें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप लोग ईटी के ट्रीटमेंट पर कम ध्यान दें और कोशिश करें कि ईटी का वैक्सीन लगा लें अपने। और ये हमेशा तंदुरुस्त बकरियों को ही होता है, जो आपका तैयार खस्सी है उसको सडनली चारा चेंज करेंगे तो हो जाएगा। जैसे इधर आजकल ये दाना ज़्यादा खाना शुरू कर दी थी, उसके साथ ऐसा हो गया। तो सडनली एक तो चारा में बदलाव नहीं करें और वैक्सीन ज़रूर कर लें, क्योंकि एक का भी लॉस होने से पूरा लॉस हो जाता है आपका। ये चीखने की कोशिश कर रही है, देखिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है ईटी से बचने के लिए ईटी का वैक्सीन करें और अपनी बकरियों को सेफ रखें, क्योंकि ईटी के ट्रीटमेंट से ये बेहतर है। थैंक यू।